नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, बीते कुछ ही दिन पहले बीकानेर में एक घटना घटित हुई थी और इसके बाद क्या था, इसके बाद मच गया राजस्थान के अंदर हंगामा, क्योंकि नए कानून बनाने की मांग राजस्थान की जनता उठा रही है और अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और इधर महिलाओं ने अपनी आवाज को ऊंचा बढ़ाया है। जी हां, आपको बता दें कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने वाली रूमा देवी ने भी नए कानून बनाने की मांग की है। और इधर सीधी मारवाड़ी की कौशल्या चौधरी ने भी नए कानून बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि अब दोनों तरफ से नए कानून की मांग महिलाओं ने अब उठा दी है। इनका कहना है कि वो माँ बाप ही जानते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है, जिनकी आंखों के सामने अपने बच्चे की अर्थी निकलती है। जो लोग आज़ादी के नाम पर कोर्ट मैरिज करते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर माँ बाप भी अपनी आज़ादी के लिए बचपन में हमारी परवरिश नहीं करते तो पता चलता आज़ादी क्या होती है। ये दर्द उस माँ बाप को ही पता होता है जिनकी लड़की घर से भाग कर शादी करती है। बाकी दुख के जितने पीड़ है औरों को ये फैसला सही लगता होगा। अगर कुछ गलत लिखा है तो क्षमा करें, ऐसे कहते हैं सीधी मारवाड़ी की कौशल्या चौधरी। और इधर रूमा देवी जो केबीसी में पहले शामिल हो चुकी है प्रोग्राम में, उन्होंने भी अब आवाज उठाई है नए कानून की मांग। और इधर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी नए कानून बनाने की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कहा है कि जो यूपी की तर्ज पर कानून है वो बनना चाहिए राजस्थान के अंदर भी। और इधर राजस्थान की सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई है। राजस्थान की सरकार इस पर चुप क्यों है, इसका जवाब नई वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए द सुगम के साथ। द सुगम के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए द सुगम को और साथ ही बेल आइकन को टच करना ना भूलें। नई खबरों के साथ अपडेट होते हैं।